एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वे रोजाना सूरज भगवान, गणेश जी महाराज, पथवारी माता, तुलसी माता, बड़ देवता आदि सबकी पूजा पाठ करती थी, फिर भोजन किया करती थी। ऐसा करते हुए बहुत साल बीत गए। एक दिन बेटी ने को देखने वाले आए। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी बेटी के तो बहुत सारे नियम हैं। वो रोजाना सभी देवी देवताओं की पूजा करती है, लेकिन गणेश जी महाराज को बहुत ज़्यादा मानती है। गणेश जी महाराज की पूजा पाठ किए बिना वो भोजन नहीं करती है। जो भी ये सब नियम निभाएगा उसे ही मैं अपनी बेटी दूंगी। लड़के वालों ने कहा, तुम्हारी बेटी के क्या नियम हैं? बुढ़िया माई ने सब कुछ बता दिया। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने नियम चलता रहा। एक दिन उनके घर में झगड़ा हो गया। सास जिठानियाँ कहने लगी, ये बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही क्यों करें। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निर्वत होकर पूजा पाठ को निकली। सास जिठानियाँ कहने लगी, कहाँ चली बहू, कल इतना झगड़ा हुआ, देखा नहीं क्या? घर के काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चोपड़ा रखा, पूजा की थाली रखी और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती रही। गणेश जी महाराज सपने में आए। बहू सोती है या जागती है? बहू बोली, हे गणेश जी महाराज, न तो मैं सो रही हूँ न मैं जाग रही गई हूँ, बड़ी चिंता में हूँ। गणेश जी महाराज बोले कि तेरी सारी चिंता मिट जाएगी, तो उठती क्यों नहीं है, खाना क्यों नहीं खाती है? बहू बोली, कैसे खाऊं, सासू जी बाहर नहीं जाने जाती, तो कैसे पूजा होगी? गणेश जी महाराज बोले, घर में ही सारे देवता विराजमान है, मैं भी घर में ही हूँ। बहू उठी, कमरा खोला, अलमारी खोली, देखती है कि वहाँ विनायक जी महाराज झाड़ के नीचे बैठे हैं। पथवारी दही दूध में हिंडोले ले रही है। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बड़ देवता, पथवारी, पीपल देवता सारे विराजमान है। वो नीचे गई, जल का कलश व पूजा की थाली लाई, पूजा करी, कहानी कही, हुकारा भगवान ने ही दे दिया। नीचे आकर जीम ने बैठी, देवरानी जिठानी कहने लगी, रूठी रानी को कौन मनावे, टुक टुक करती आप ही आवे, कहाँ गए तेरे नियम धर्म? बहू बोली, सब कुछ कर लिया, आप सब चलो, मैं आपको बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सब जने चले। कमरा खोल के अलमारी खोली, देखा वहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सास उठी, बहू के पैर पकड़ने लगी, तो बहू बोली, सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसा बहू और उसके सारे परिवार को दर्शन दिए, वैसे सबकी मनोकामना पूरी करना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।